हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चित्रा, हमने आपके बारे में सुना कि आपको डांस, म्यूजिक का, शायरी का बड़ा शौक है। हाँ, शौक तो है। तो कुछ और यहाँ पर आते आते मुझे आपको देखकर अचानक से वो शेर याद आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा दबा के रखती हूँ दिलों की ख्वाहिशों को, लेकिन अब बोल देती हूँ। प्लीज। हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर। ओहो। हैं? हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर, हमें क्या पता था सनम टेढ़ा ही देखते हैं। और मुझे कुछ लोगों ने अर्चना जी के लिए दिल्ली से भेजी है। बहुत सारे फैंस हैं हमारे वहाँ, मैं खुद भी हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि प्लीज उस शो में जाके अर्चना जी के सामने जरूर मैं बशीर बद्र की वो पंक्तियाँ आपके सामने बोलूंगी। फीलिंग किसी और की है, जुबान मेरी है। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी कि लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। वाह वाह वाह। आप तीनों के लिए एक शेर याद आ गया, मुझे पता नहीं शायर कौन है, बड़े मशहूर ही हैं। कि वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर का बजट देखते हैं। मुझे भी एक याद आ गया इसी पर। जी। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर इन पलकों में रखिए, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। यहाँ आने में जमाने लगे हैं, यहाँ किसी और के ठिकाने थे, वहाँ किसी और के ठिकाने लगे हैं। आपके हो गए स्नैक्स खत्म है अभी और। अर्चना जी को देख के मुझे लगता है कि आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, अक्सर हमने आपके प्रोग्राम में भी देखा है, अलग अलग मंच पर भी देखा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आप सुना भी दें हम लोगों के लिए। हो जाए, हो जाए, कपिल। अरे कपिल, आज आप भोजपुरी गई है। भोजपुरी लगावे लो जब लिपस्टिक। आपको जगजीत साहब पसंद है? बहुत ज्यादा। मैं उनकी गजल सुनाऊं आपको? बहुत। ओके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मैं तेरे को कहा तबला बजाने के लिए, मैं भी माहौल बना रहा था, जहां बजाना वहां बजाना नहीं, जबरदस्ती तबला वैसे लेके दिया है, जरूरी नहीं हर बार बजाना है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। धन्यवाद, थैंक यू। Ah,
वाओ ये जो हरकतें कर रही सब लोग चले भी जाएंगे कपू मेरी जान एक मिनट है बीच में नहीं आना आप कौन है पहचाना नहीं नहीं पहचाना नहीं नहीं पहचाना पहनी साड़ी है चल आदमियों की तरह नहीं आप कौन है आप पता कौन हूँ मैं अरे मुझे कैसे पता होगा आप कौन हो तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ नहीं तो 5 घंटे से अपने रिक्शे पे घुमा क्यों रहा है क्या चाहता है तू क्या चाहता है कहीं तू मुझे तो नहीं चाहता कैसी बातें कर रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हो मैं वो सब छोड़ो मेरे पैसे निकालो रिक्शे का पैसे केरी पैसे कैसे पैसे अरे मैं आपको स्टेशन से बिठा कर लाया ना रिक्शे पे तो मैं अकेली बैठी थी तू नहीं बैठा था खुद आगे बैठ के पूरा नजारा लेता हुआ आया है और मैं पीछे बैठ के जो नजारा ले रही थी मैं बता भी नहीं सकती आंटी आंटी अनपढ़ कहीं का देखो आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना मैं पुलिस में चला जाऊंगा वेरी गुड तुम आर्मी में जा हमारे देश को तेरे जैसे नौजवानों की जरूरत है निकल कैसी औरत है ये जा यहाँ से बड़ा आया अरे वाह 3-3 ब्रेकिंग न्यूज आई है क्या बात है वाह आपने अपने बारे में नहीं बताया आप कौन है मर्दों जैसे मुंह वाली महिला कौन है आप Myself Shakira from Darbhanga. आप लोग सोच रहे होगे ये कैसा नाम है हाँ. सोचते रहो मेरा क्या है प्यार से लोग मुझे मौसी कहते हैं हाँ हाँ मौसी यहाँ क्या करने आई आप मैं कुछ ताजी खबरें लाई हूँ मैं चाहती हूँ आप अपने चैनल पे दिखाएं मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्या श्वेता कुछ साल पहले एक धोखेबाज आदमी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया उसके बाद उसने मुझे घुमाया फिराया साथ जीने मरने की कसमें खाई लेकिन बाद में मेरे साथ उसने शादी कर ली तो इसमें धोखा क्या हुआ अरे तो मैं धोखा देने वाली थी रुका ही नहीं उस बेवकूफ की वजह से मुझे ऑन द स्पॉट अपने 3 बॉयफ्रेंड को ब्लॉक करना पड़ा तो ये आपकी हरकतें ऐसी थी तो आप मना कर दी थी ना शादी करने के लिए मैं मना करने वाली थी हाय हाय लेकिन अचानक मैंने उस मासूम की आंखों में पैसे की चमक देखी अरे चित्रा इतना अमीर था वो टाई प्रेस करने के लिए रोड रोलर रखा हुआ था उसे आपको पता है मुझे खबर मिली है इसी मोहल्ले में रहता है कहीं म्यूजिक का उस्ताद बना घूम रहा है अच्छा ये मैं देख के समझ गया था इतनी हिली हुई बीवी उसी की हो सकती है ये इधर रहते हैं वो इधर जाइए आप चाहिए नहीं हाँ मैं उसको टपकाने आई लिए अंजना जी मुझे आपकी मदद चाहिए मैंने सुना है आपके पति IPS ऑफिसर है क्या आप मेरा छोटा सा काम कर सकती है कौन सा काम मेरी उनसे शादी करवा दूं आपका दिमाग खराब है आपका नहीं नहीं मेरी नियत खराब है यार मेरा बचपन से सपना था हाँ। मैं किसी IPS ऑफिसर से शादी करूं लेकिन शायद किसी IPS ऑफिसर का सपना नहीं था कि मुझसे शादी करे कोई बात इस चक्कर में बुढ़ा मिला है मुझे अच्छा खुद कौन सा तुम कैरा डवानी हो मैं थी जलुआ था अपना मैं बता रही हूँ एक बार एक प्रोड्यूसर को मैंने ऐसे किया उसने फिल्म दे दी थी ऐसे फिल्म कैसे मिल गई हाथ में चाकू था ना मैं कहा फिल्म दे ऐसे फिल्म मिल गई थी खैर पर IPS से शादी क्यों करनी थी सपना क्यों है आपका क्या करेगा IPS ये लिख के नहीं देते इस बातों का जवाब आप लोग इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं तो वहाँ खबरें कौन पढ़ रहा है उनके चैनल में और भी बहुत सारे लोग हैं। ओ गिरोह है आपका गिरोह नहीं टीम बोलते उसको टीम बोलते हाँ तो मैंने तो अपनी चेन स्नैचिंग की टीम बनाई थी हमें गिरोह बोल के अंदर क्यों डाला अच्छा बोल बोल के थक गई होंगी मैं आपका गला दबा दूं
यार ये कैसी कैसी बातें हैं? कपू क्या चाहता है तू? कहीं तू मुझे तो नहीं चाहता? अरे हट। लेकिन मुझे आप तीनों से नाराजगी है। आप लोग कहती हो चलिए ले चले मुंबई, ले चले दिल्ली, लेके तो कहीं नहीं जाते आप। आप लोगों के चक्कर में मैं ट्रेन में चढ़ गई, वहां टीटी आ गया कहता टिकट, मैंने कहा आज तक, किसने कल तक मारा है। मौसी मेरी बात सुनिए आप, आपको पता है हमारे देश की इतनी बड़ी रिपोर्टर बैठी है और उनके सामने आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है बड़ी बड़ी सुर्खियां पड़ती हैं ये, मगर मैं बड़ी बड़ी सुर्खियों में आती हूँ। आपने वो खबर तो सुनी होगी, एक 80 साल का बुढ़ा गिरा नाले में। तो इसमें आप कहाँ हैं? मैं नाले में थी, मुझे बचाने आया, मैंने खींच लिया। लेकिन आप कैसे गिरी फिर नाले में? मैं किसी को बचाने गई थी, उसने मुझे खींच लिया। 6 घंटे तक ये गेम चलता रहा। वैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती रहती हैं, मुझे एक सेलिब्रिटी से मिलवा सकती हैं आप लोग? किससे मिलना? चांस सोना तो जाग जाओ। उन्होंने मुझे बहुत जगाया है। 11:11 बजे आके कहते सन्नाटे को चीरते हो इस सनसनी। एक बार उनकी आवाज ने ऐसा चीरा मेरे बाईपास सर्जरी हो गई। मैं सही बता रही हूँ, बाईपास दर्जरी करवानी पड़ी मुझे। दर्जरी नहीं सर्जरी। नहीं वो दर्जी ने जरी का काम भी किया है, उसी से करवाई। खैर मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अपने पति पर स्टिंग ऑपरेशन भी करवाना है। मुझे शक है कि मेरे होते हुए भी वो अकेला रहता है। थैंक यू बाय। बैग लेके जाओ मौसी अपना। बाहर निकल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.